लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीटों में कौन सा गठबंधन कितनी सीट जीत रहा है, ये जानकारी आपको लगातार बता रहे हैं हम। और देखिए सर्वे के मुताबिक एनडीए को 13 सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है सर्वे के अंदर। वहीं ओपिनियन पोल कहता है कि इंडिया गठबंधन को झारखंड में महज एक सीट मिल सकती है, इसके अलावा अन्य के हिस्से में झारखंड में कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो देखिए ये आंकड़ों का बंटवारा बिल्कुल सीधे सीधे साफ है, 14 में से 13 जो है इंडिया के खाते में और इंडिया के खाते में महज एक सीट। बिल्कुल ठीक है, और मुझे लगता है कि अब वोट परसेंटेज भी हम फटाफट प्रणय अपने दर्शकों को बता देते हैं झारखंड का, तो स्क्रीन पर जरा वोट परसेंटेज आ जाए तो मैं फटाफट अपना जो आंकड़ा है वो बताऊं। और देखिए एनडीए को यहाँ पर 62%, मुस्कुराते हुए मोदी जी दिखाई दे रहे हैं और द्वारका की डुबकी लगाकर खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फिर मैं एक बार आरती टिक्कू आपको लाना चाहूंगी, क्योंकि 62% और इंडिया गठबंधन को 25% वोट परसेंटेज मिल रहा है, और अन्य के खाते में अगर हम बात करें तो देखिए इंतजार मुझे 62 और 25 आ चुका है सामने। आरती टिक्कू, अदर्स के खाते में 13% जा रहा है। यहाँ पर मैं हेमंत सोरेन का जिक्र लाना चाहूंगी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा कहता है कि साहब ईडी सीबीआई, विपक्ष पूरा एकजुट है इस मुद्दे पर। आंकड़ों में भी बीजेपी जो है वो अपने इतिहास को रिपीट कर रही है। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई बहुत चमत्कार नहीं कर रही है, जैसा कहा जा रहा था कि साहब अगर गलत फंसाया जा रहा है या आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है, जो एंगल उठाया गया था वो असर करता नहीं दिख रहा है। देखिए 2019 में भी मैं झारखंड में थी और उस वक्त भी मैं जो वोटर का जो साइकोलॉजी था उस वक्त भी कि स्टेट लेवल पे हम लोग अलग से वोट करेंगे और नेशनल लेवल पे हम बिल्कुल अलग से वोट करेंगे, लेकिन आपके आंकड़े जो दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि हेमंत सोरेन के जेल जाने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है इस साइकोलॉजी में कि नेशनल लेवल पे वो मोदी को ही अपना लीडर मानते हैं, मोदी की जो पॉलिसीज ट्राइबल्स के लिए जो काम किया है। आती, लेकिन आप जो कह रही हैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल भी हमने इस ओपिनियन पोल के अंदर पूछा था जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में कि झारखंड के लोगों से जब ये पूछा गया कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से इंडिया गठबंधन पर कितना असर होगा, तो देखिये लोगों का कहना है इसके जवाब में कि 12% लोग ये मानते हैं विपक्षी गठबंधन को सहानुभूति का फायदा मिलेगा, वहीं 48% लोगों का मानना है कि इससे विपक्षी गठबंधन को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा 16% लोगों का मानना है कि इससे ना तो फायदा होने वाला है न किसी तरीके का नुकसान होगा। वहीं 21% लोगों के मुताबिक अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, जबकि 3% लोग इस बारे में जानकारी नहीं रखते। नहीं प्रणव, मैं इन आंकड़ों से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो साइकोलॉजी ट्राइबल्स में मैंने देखी झारखंड में, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत मानते हैं, क्योंकि ट्राइबल्स के लिए जो काम किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जो पॉलिसीज रखी, जितना पैसा ट्राइबल वेलफेयर डेवलपमेंट को मिला है, पहली प्रेसिडेंट हमारी ट्राइबल प्रेसिडेंट मुर्मू, ये सारी चीज़ों पे का असर आप ट्राइबल कम्युनिटीज़ में देखोगे, और वो क्लियरली इस बात से बिल्कुल इस बात में उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं कि नेशनल लेवल के लीडर मोदी ही है, और जो हेमंत सोरेन की बात आ रही है उसका कोई प्रभाव नहीं है इस सारे। ठीक है लक्ष्मी जी, मुझे लगता है इस पे आपको भी आना चाहिए, ये जो ट्राइबल मुद्दा उठाया जा रहा था, हालांकि मैंने जब गुजरात चुनाव कवर किया था तो बनासकांठा साबरकांठा जो कहा जाता है कि साहब एकदम हार्डकोर कांग्रेस की सीटें थी, दलित वोट है वहां पे, लेकिन बीजेपी ने वहां पे चमत्कार किया है, तो क्या आप आरती टिक्कू जी की बात से सहमत है? क्योंकि जितना उन्होंने ट्राइबल, अभी जो ट्राइबल उत्सव भी जा रहा है, जिस तरह उनको प्रमोट किया जा रहा है उनके प्रोडक्ट्स बेचने को, और जिस तरह वो जिस तरह मोदी जी माइन्यूटली मॉनिटर कर रहे हैं कि ट्राइबल वेलफेयर जो स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन, और वहाँ पे इवन अर्जुन मुंडा जी जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है वो भी बहुत समय वहीं पर बिताते हैं इम्प्लीमेंटेशन देखते, तो ये सारा देखते हुए लगता है कि वहाँ पर जो आपके आंकड़े जो दिख रहे हैं उसके उल्टा ही उलट है। Z News.